आपातकाल के खिलाफ संगड़ा में भाजपा ने मनाया काला दिवस। पूर्व विधायक रूप सिंह ने सुनाई इमरजेंसी के दौरान क्षेत्र में जबरन नसबंदी कराए जाने की दास्तान। भाजपाइयों ने काले बिल्ले लगाकर आयोजित की विचार गोष्ठी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में लगाए गए आपातकाल के खिलाफ संगड़ाह में भाजपाइयों द्वारा आज काला दिवस मनाया गया। डाइट परिसर में आयोजित उप कार्यक्रम के दौरान भाजपाइयों द्वारा काले बिल्ले लगाकर आपातकाल के दौरान हुई लोकतंत्र की हत्या के मुद्दे पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के प्रभारी एवं पूर्व विधायक रूप सिंह ने बताया कि आपातकाल के दौरान देश में न केवल लोकतंत्र की हत्या हुई बल्कि मानव अधिकारों का भी हनन हुआ तथा मीडिया पर भी सेंसरशिप लगाई गई। पूर्व विधायक रूप सिंह ने क्षेत्र में आपातकाल के दौरान लोगों के मानव अधिकारों के हनन को तानाशाही करार देते हुए एक स्थानीय घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान जब उनके पिता मनसाराम व उन्हीं के गाँव के कुंदिया व मीनाराम सेंज गाँव से संगड़ाह की तरफ आ रहे थे तो पुलिस कर्मियों द्वारा जबरन उन्हें पकड़कर अंधेरी गांव में लगे नसबंदी कैंप में उनके परिवार नियोजन के ऑपरेशन किए गए। भाजपा मंडल महामंत्री सुनील शर्मा में 25 जून 1975 को लगी इमरजेंसी को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तानाशाही करार दिया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में बात बात पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करने वाली कांग्रेस को आपातकाल को हमेशा याद रखना चाहिए। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रताप तोमर, अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नारायण सिंह, बलबीर ठाकुर, सोम प्रकाश, केडी शर्मा व अनिल आदि भाजपा मंडल पदाधिकारी भी मौजूद रहे। भारत के गौरवशाली लोकतंत्र इतिहास का काला दिवस है जिसको रेणुका जी भाजपा मंडल भी पूरे देश की तरह यहां पर भी मनाया जा रहा है। इसके लिए हमने माननीय रूप सिंह जी जो पूर्व में विधायक रहे इनको प्रभारी के नाते इसमें लगाया था, जिन्होंने अभी प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। आप सभी जानते हैं कि 25 जून 1975 को भारत के देश के अंदर निरंकुश तानाशाह सरकार जो कि इंदिरा गांधी समर्थित सरकार थी, उसने अपने पुत्र मोह का एक बार प्रदर्शन करते हुए संजय गांधी और अन्य लोगों के कहने पर देश के अंदर आपातकाल थोपा। इस आपातकाल के दौरान पूरा देश संजय गांधी और इंदिरा गांधी के जो दमन है उसके चक्र में पड़ गया और उसके कारण अनेकों नेता जो तत्कालीन विपक्ष के नेता थे उनको जेलों में बंद कर दिया गया, लोकतंत्र का हनन हुआ, मीडिया पर भी जो है सेंसरशिप लगा दी गई। आज की इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी रेणुका मंडल के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रताप सिंह तोमर जी, जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं, मंडल के महामंत्री श्री बलबीर ठाकुर जी, श्री सुनील शर्मा जी, अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश कार्य समिति में सदस्य श्री नारायण सिंह जी, हमारे पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष श्री जगत राम जी, श्री जगत कन्याल जी, श्री सोमदत्त शर्मा जी, श्री केडी शर्मा जी और यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुगण, जैसा कि सबको विदित है कि आज 25 जून है और 25 जून का जो दिन है ये भारतवर्ष में हम इसको काले दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसका विशेष कारण है कि आज के दिन भारतवर्ष में 25 जून को 25 जून 1975 को जो इस दिन पर तत्कालीन देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश में काला कानून ला करके हिंदुस्तान के लोगों के साथ जो अन्याय किया बिना वजह, जो लोगों को परेशानी के लिए एक मीसा का जो कानून हिंदुस्तान में लागू किया, आज उसी के विरोध में हम सब लोग एकत्रित होकर के इस काले दिवस को मना रहे हैं।